लॉगिन पे क्लिक किया, उसके बाद तुम्हारा मोबाइल नंबर डालो। ठीक है, उसके बाद पासवर्ड तो दोस्तों हम गोपनीय रखना चाहेंगे। हाँ, अरे लॉगिन किया, होम स्क्रीन पर आपको ये सारी पिक्चर दिख रही है। इसके ठीक नीचे आपको जो सामने पॉइंट दिख रहे हैं, होम, मार्केट, प्रो और वॉलेट। आपको जाना वॉलेट में, आपका वॉलेट चेक करो। इसमें आपको ऊपर लेफ्ट हैंड पर आपको ये अमाउंट दिख रहा है, ठीक है, ये अमाउंट दिख रहेगा 10,463। उसके बाद आप नीचे आकर मार्केट पर क्लिक करेंगे। मार्केट पर क्लिक किया, मार्केट पर क्लिक करने पर आपको ये सारी चीज़ें एक्सपायर पी एल टी सी लिंक है एच टी जो आपको डायरेक्शन प्रोडक्ट दिया जा रहा है वो आपको सामने दिख रहा है। सपोज़ आज इन्होंने जो सिग्नल दिया था वो दिया था लिंक, मैं ये लिंक पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये होम पेज पर खुलेगा कॉल और पुट का ऑप्शन। कॉल और पुट पर आपको ये दिख रहा है, सपोज आज उसने कॉल का दिया है, लेकिन ये अमाउंट जैसे 10,463 उसका 10% वो लगाया उसने 1,046, तो ये कॉल पे पुट करते से 1,046 कमीशन सक्सेसफुली। इस पर कन्फर्म आपको कन्फर्म करना है। ओके, ये कंप्लीट होने पर लग गया था, ये अमाउंट लगा दिया उन्होंने। अभी 10,000 में से 9,416 आपका अमाउंट बचा है, ये 10,000 उन्होंने लगाया आपका। एक मिनट के लिए अब ये आप ऊपर जाकर इसमें रिटर्न आ जाइए अपनी साइट पर। आपको ठीक नीचे वॉलेट दिख रहा है, उस पर वापस क्लिक करेंगे तो आपको ये अमाउंट कम होता दिख रहा है, ये नौ जो 10% है वो अमाउंट कम हो गया है। ठीक है, ये कुछ देर के लिए रहेगा, उसके बाद आप थोड़ा सा पेशेंस से उसका वेट करें और कुछ भी करते रहे, लेकिन रिपीट क्लिक ना करें जो प्रोडक्ट और डायरेक्शन दिया उस पर, इस बात का ध्यान रखा जाए। यदि रिपीट क्लिक्शन कर दिया आपने तो ये मिस्टेक होगी और उसकी पेनल्टी आपको लगेगी, आपका जो आज का प्रॉफिट है वो भी लॉस में हो जाएगा। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है, क्योंकि कन्फर्मेशन आने के बाद आपको रिपीट करना ही नहीं। कन्फर्मेशन यदि नहीं आई है तो आप रिपीट कर सकते हो, क्योंकि कन्फर्मेशन ही उस चीज़ का प्रूफ है। कन्फर्मेशन जब तक नहीं आती तो आप रिपीट उसको कर सकते हो, प्रोडक्ट और डायरेक्शन के सिग्नल को। अब आप देखेंगे कि ये मार्केट में गए वापस या होम पे गए, थोड़ी देर आप वेट करेंगे और वॉलेट को आप देखते रहें। ये आपके हो गए 11,247। इसका जो आपका 10,400 था उसका आपको 7.5% निकालेंगे तो ये अमाउंट आपका सामने दिखेगा, ये आपके अकाउंट में आ गए। अब जैसे भी आप ये 5,000 छोड़ के आप निकालना चाहें इसके ऊपर का अमाउंट, तो आप ये दोनों ऑप्शन दिख रहे हैं, विड्रॉल और रिचार्ज, तो आपको विड्रॉल करना है। विड्रॉल में आपने अपनी बैंक डिटेल डाली हुई है, बस आपको ये यहाँ पर ये अमाउंट का जो बॉक्स दिख रहा है इसमें अमाउंट डालना है। ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेशन करेगा, टैक्स कट जाएगा आपका 20% उसमें, और नीचे अमाउंट आ जाएगा और सबमिट करना है। इसके बाद ये सिलेक्ट बैंक है, बैंक अकाउंट है, उस पर आप टिक करेंगे तो राइट का मार्क आएगा और सबमिट कर दो आप। सबमिट करने के बाद आप को ये समझना है कि इमीडिएट, जैसे अभी ये पैसे आए ऐसा इमीडिएट आपके बैंक में नहीं जाते, वो दिन भर में कभी भी जाते हैं। सपोज़ मैंने आज किया था 2500 का, सुबह 7 से 9, वो पैसा मेरा जमा हुआ शाम को 7:30 बजे, तो आपको दिन भर ये टेंशन नहीं लेना है कि पैसा जमा क्यों नहीं हुआ। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें और पेशेंस रखें, वो पेमेंट आपका आज के ही दिन में रात के 10 बजे तक आपको वेट करना पड़े, लेकिन वो बैंक में आएगा, ये कन्फर्म है। तो इसके साथ ही आपको ये अपना अमाउंट बैंक में खाते में आपको ये जमा हो जाएगा, उतने पैसे आपके लॉस बैलेंस में रहेंगे। बस इस बात का ध्यान रखना है कि 20% ऐड करके ही आपको करना है, वैसे ही कैलकुलेशन यहाँ पर आ जाता है, लेकिन 20% ऐड करके ही आपको अपना पैसा निकालना है ताकि वो गड़बड़ी नहीं हो। बैंक डिटेल में आपको डालते समय इस बात का ध्यान रखना है, कोटक महिंद्रा बैंक, तो इसमें कोटक महिंद्रा, इसमें स्पेस नहीं देना है, कोटक महिंद्रा बैंक बिना स्पेस दिए आपको लिखना है, मोबाइल नंबर और बैंक डिटेल। IFSC कोड भी आपको बिना किसी, अपना नाम भी डालोगे, बैंक होल्डर नाम, उसमें भी आपको स्पेस नहीं देना है। सपोज़ रोहित यादव है तो रोहित यादव बिना स्पेस दिए लिखना है। तो इस टाइप से ये बैंक डिटेल डाल के आपको ये अपना बनाते समय ही डाल दिया कि ये आपका अकाउंट इसमें सेफ रहेगा, और सबमिट कर दो, बस इसकी ये एक प्रोसेस है।